क्लास 10 मैथमेटिक्स। आई एम आर एस प्रसाद सर। टुडे योर चैप्टर 4 दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। लेट अस स्टार्ट व्हाट विल बी योर एक्सरसाइज। सो एज यू नो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एपी। सो इट इज लाइक दैट 2, 4, 6, 8 and 10 एंड सो ऑन। Here is the common difference is still same. The difference 4 minus 2, that is the 2. 6 minus 4, it is also 2. 8 minus 6, it is also 2. And here is also 2. 10 minus 8, 2. So, that is called as common difference. Similarly, 3, 6, 9, 12, 15 and so on. So, there is the common difference 3, here is also 3 and it is also 3. In sab mein common difference jo hai wo 3 hai. So, jahan par bhi difference same rahega, so that progression is called as arithmetic progression. So, isme jo series hoti hai, A ho gaya, A plus D ho gaya, then A plus 2D and A plus 3D. एंड ए प्लस 4D एंड सो ऑन। और लास्ट में एक टर्म आती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो लेट अस सी, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स and tn or an, it is the nth term. चलिए फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले आपका nth term का फॉर्मूला जो है tn is equal to a plus n minus 1 into d. So it is first formula. If you want to sum of this series, so as n is equal to n by 2 twice of a plus n minus 1 into d. So that is the sum of the nth terms. Sum of the nth terms ka ek aur formula hai. If last term is l, then sn is equal to n by 2 and a plus l. Ye aapka second formula. Both formula are same. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल 1 गिवन है। फाइंड द फर्स्ट टर्म द फोर्थ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है -7 -11 -15 एंड -19 एंड सो ऑन। द फर्स्ट टर्म दैट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज -7। ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है। And the common difference, you can say -11 -7. So, it becomes -11 +7. So, that is the -4. So, that one is the common difference. And now, find the fourth term. How can find the fourth term? Here, n is equal to 4. So, formula hai tn ka a plus n minus 1 into d. So, T4 फाइंड करना है। A इज गिवन एज -7 प्लस n इज गिवन एज 4 -1 एंड d इज आल्सो -4। सो T4 इज इक्वल टू -7 प्लस दैट इज द 3 इंटू -4। सो इट इज -7 -12 एंड इट इज -19। सो फोर्थ टर्म इज -19 एंड दैट विल योर आंसर। चलिए ये एग्जांपल 2 है आपका। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। सो फर्स्ट टर्म दैट इज द ए इज इक्वल टू 10, सेकंड टर्म निकालेंगे देन ए प्लस डी। सो ए इज 10 एंड डी इज गिवन एज -3, सो यू हैव टू राइट -3। सो 10 -3 इट इज 7, सो इट इज ए प्लस डी। Now a plus 2d, it is a is 10 and plus 2 into -3,
So it is 10 minus 6, that will be your 4. Now a plus 3d, that is the a is 10 and plus 3 into minus 3. So 10 minus 9, that one is the 1. सो सीरीज क्या आ गई इसमें, 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 तो इन्होंने दे रखा था, फिर इसके बाद 7 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ऐसे लेस करते हुए चले जाइए. सो दैट वन इज द, ये तो फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो तीन सीरीज मिल गई इसमें. ये आंसर आपको थ्री टर्म्स निकालने थे इसमें. क्या कहा था इसमें, ये है थ्री टर्म्स को निकालने, तो थ्री टर्म्स हमने निकाल दी. फर्स्ट से गिनेंगे तो कई सारी हो गई हैं. सो यू कैन डू दिस. Now come to the example 3. What will be? Sort the arithmetic progression from the following number series. Write the next two terms of the following arithmetic progression among the following. ये इसमें दिया हुआ है, देखो इसमें 27 पहला है, 9 है और 27 है और 81 है. इनका common difference निकाल लें, 27 minus 9 कितना बच जाएगा ये, that is the 8. And here is the 18. और इसका दूसरे वाले का निकालिए, 81 minus 27 कर दीजिए, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, यहां से 4 आ जाएगा और यहां 7 minus 2, that is the 5. यहां 18 है और ये 54 है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स कि ये आर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. सो यू कैन राइट द नॉट. और इसको देख लेते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये अंडर रूट 3 का आएगा. 4 है, 4 में अंडर रूट 3 ऐड कर दिया, इसमें अंडर रूट 3 और ऐड कर दिया, 2 अंडर रूट 3 आ गया, इसमें और अंडर रूट 3 ऐड कर दिया, तो 3 अंडर रूट 3 हो गया. सो इट इज योर आंसर इज यस. और यस है तो इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट के टर्म्स निकालनी है, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स. इसमें अंडर रूट 3 ऐड करते हुए जाना है आपको, कैसे ऐड करेंगे, 4 तो एज सच रहेगा, यहाँ पे 4 रूट 3 हो जाएगा, ऐसे ये 4 एस सच रहेगा और यहां 5 रूट 3 हो जाएगा. सो दैट वन इज द एपी. यस आंसर दे करके ये आंसर आपको निकालना है और सीरीज भी लिखनी है आपको. यहां देखिए 1 माइनस 1 है, तो यहां पर डिफरेंस इसका 2 का हो गया है विद माइनस 2, यहां पर भी माइनस 2 है, यहां पर भी माइनस 2 है, तो ये एपी है, यस में आंसर है ये. और इसका नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है तो इसमें माइनस 2 करते जाओ, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, और करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा. देयर इज नोट, ये जो आपको सीरीज दिखाई दे रही है फोर्थ वाली, तो इसमें 0.22, इसमें से 0.2 को माइनस करके देखो तो 0.02 आ जाएगा. नेक्स्ट टर्म को भी देख लो, 0.22, इसमें से 0.22 अगर माइनस करेंगे तो 0.002 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल. सो दैट आंसर इज नॉट ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द एग्जांपल 4. फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन लिख लें पहले, 4 है, 7 है, 10 है और 13 है. इसमें जो है ए फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 है. कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 7 माइनस 4 दैट इज 3, यानी ये आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया है. और नंबर ऑफ टर्म इसने 10 दी है, ये लिखा हुआ 10 आपका. तो हम अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन का 10th टर्म निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो यू कैन राइट द ए, ए इज 4 प्लस एन इज 10 माइनस 1 इंटू डी इज 3. तो देखो क्या हो जाएगा, 4 प्लस ये 9 इंटू 3 हो जाएगा और 4 प्लस 27 और ये कितना हो जाएगा 31. सो टी एन, एन कौन सा, 10th वाला है, तो टी 10th इजकल टू 31. दैट वन इज योर आंसर. नाउ कम टू द एग्जांपल 5. आर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 6, 10. पहले लिख लीजिए 2 है, 6 है, 10 है एंड सोन है. Contains n term and find the last term. यानी आपको TM find करना है, ये question mark है. So A will be आपका, A ये 2 है, so you can write 2. D निकालना है तो 6 में से 2 को minus कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, D निकल गया. और n आपका m given है, so formula आपको लगाना है TN का. TN is equal to होता है A plus n minus 1 into D.
टी एन की जगह क्या लिखना है, एम लिखना है। ए की वैल्यू है आपके पास 2 और एन की जगह तो एम लिखना है अब -1 और डी की जगह कितना है, डी आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m माइनस 4 इट इज 4m माइनस 2 बच जाएगा एंड दैट इज द टी एम और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू द ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन, ये दिया हुआ है 3 है 5 है 7 है कंटेंस 15 टर्म्स तो n इसमें 15 है फाइंड द लास्ट टर्म यानी कि टी 15 फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। a आपका 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 5 माइनस 3 दैट इज 2 हो जाएगा और n जो गिवन है वो 15 गिवन है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह क्या लिखना है 15 लिखना है तो ए इज कितना है 3 प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है दैट इज 2 सो 3 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज द 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 14 टू जा 28 सो 28 ये कितना हो जाएगा 31 सो दैट इज द टी 15 और यही आपका आंसर होगा। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लास्ट टर्म ऑफ द ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन इज 67 देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द प्रोग्रेशन। नाउ पहले लिख लीजिए इसे -9 है -5 है -1 है एंड सो ऑन और कहाँ तक है लास्ट में 67 है। चलिए ए देख लीजिए माइनस का 9 है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है एन फाइंड करना है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे -5 में से -9 को माइनस कर देंगे तो -5 प्लस 9 इट बिकम्स 4 तो डी आपका 4 आ गया है और एन तो फाइंड करना है लेकिन टी एन गिवन है कितना है टी एन गिवन इट इज 67 और एन इज द क्वेश्चन मार्क। चलिए टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए टी एन इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन इज गिवन है 67 ए कितना है -9 है प्लस एन -1 डी कितना है आपका 4 है सो यू हैव टू राइट हेयर 4 तो 67 प्लस का 9 हो गया और इधर एन -1 इंटू 4 चलिए इसमें ऐड कर दीजिए 9 और 7 16 हो जाएगा और ये 6 और 1 7 हो जाएगा इट इज इक्वल टू एन -1 इंटू 4 सो एन -1 निकालेंगे तो 76 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 4 से कट कर दीजिए 4 वन जा 4 3 बच गया 4 9 जा 36 सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 19 सो n इज इक्वल टू 19 प्लस 1 सो n इज इक्वल टू 20 एंड दैट वन इज द आंसर। चलिए 20 आपका आंसर आ चुका है। अब आपका एक और क्वेश्चन है फाइंड द mth एंड pth टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है आपको 10 दिया है 15 दिया हुआ है 20 दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है देखो यहाँ पे एंड सोन चल रहा है कोई बात नहीं इसमें pth और mth टर्म्स निकालनी है दैट मीन्स की टी एम इज द क्वेश्चन मार्क और टी पी इज द क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं फर्स्ट टर्म कितना है 10 गिवन है और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 15 माइनस 10 में से यानी कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं सो डी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और एन की जगह एक बार एम दिया हुआ है एन इज इक्वल टू एम सो यू हैव टू राइट दिस वन एन इज इक्वल टू एम। नाउ टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए तो टी एन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सो वी कैन पुट द एन इज इक्वल टू एम। ए कितना है हमारे पास 10 है प्लस एन की जगह एम हो गया माइनस 1 एंड डी कितना है हमारे पास 5 एम। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी ये 10 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 5 एम माइनस 5 हो गया सो 5 एम और प्लस 10 माइनस 5 दैट इज द 5 सो 5 एम प्लस 5 हो जाएगा ये आपका आंसर हो गया एंड द इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट m इज इक्वल टू पी इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में रख दीजिए तो टी पी हो जाएगा टी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5p प्लस 5 हो जाएगा इट इज योर सेकेंड आंसर। सिंपल हो गया इसको करना फिर
चलिए चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी गिवन है, इसमें देखना है ये टर्म्स है या नहीं है 301। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये। 5 है, 11 है, 17 है, 23 है एंड सो ऑन, कहाँ तक है ये 301 तक लास्ट टर्म है। तो ए टर्म तो देखते हैं, फर्स्ट टर्म तो 5 हो गया और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 11 माइनस 5 से दैट बिकम 6, तो डी आपका 6 आ गया। अब की टी एन गिवन है 301 और एन को फाइंड करना है, तो एन को फाइंड करके देखते हैं। टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो टी एन कितना है 301 है, ए कितना है हमारे पास, ए है 5 प्लस एन कितना हुआ निकालना है हमें एन माइनस 1 और डी, डी आपका निकला हुआ है 6। चलिए इसको इधर भेजिए, 301 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6 बच जाएगा, यहाँ 10, यहाँ पर तो 9 हो गया है। सो यू हैव टू राइट हियर 9 और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 296 हो गया इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, ये 6 अपॉन में चला जाएगा सो एन माइनस 1 हो जाएगा 296 अपॉन 6। चलिए इसको देखते हैं डिवाइड करके, 2 से करते हैं 2 3 जा एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। अब ये कितना आ जाएगा 148, यानी 148 को डिवाइड करिए 3 से, सो 3 4 जा 12 हो जाएगा और यहाँ से 2 बच गया, यहाँ 8 हो गया और 3 9 जा 27 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट 3 आ जाएगा और 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, दैट मीन्स इट इज द 49.33 एन माइनस 1, सो एन इजकल टू 49.33 एन प्लस 1, सो एन इजकल टू 50.33 विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर। सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीरीज, इसका मतलब गिवन सीरीज की 301 जो है टर्म नहीं होगी। चलिए अगर होल नंबर आता तो ये हो जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपका, देयर आर 50 टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन गिवन है कितना 50 टर्म्स है और थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म इज 12, सो यू हैव टू राइट टी थ्री इज इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म दैट इज द टी 50, कह दीजिए लास्ट 50 टर्म्स है तो 50 होगा, ये 106 है, फाइंड द टी 29, यानी टी आपका 29 आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या लगेगा, पहले फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है 12 दिया हुआ है प्लस 12 इक्वल टू ए प्लस, ए तो पता ही नहीं है, एन हमारा 3 है इसके लिए टी 3 के लिए, सो 3 माइनस 1 इंटू डी, सो ये 12 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 2 डी, यो आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इस वाले के लिए यूज करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 106 हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस एन की जगह अब 50 माइनस 1 हो जाएगा और d हो जाएगा, सो ये 106 इक्वल टू हो गया a प्लस 49 डी, सो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सेकेंड इक्वेशन कितनी है a प्लस 49 ऑफ d इक्वल टू 106 और दूसरी है a प्लस 2 डी इक्वल टू 12। चलिए इसको माइनस करके देखते हैं, ये दोनों माइनस हो गए तो ए विल बी कैंसल आउट, यहाँ से देखिए तो 47 हो जाएगा, 47 डी इक्वल टू कितना बच जाएगा, ये बच गया आपका 6 माइनस 2 दैट इज द 4 एंड हियर इज द 9, 10 माइनस 1 दैट इज द 9, सो डी इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 47, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो डी इज इक्वल टू 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट,
put the value of d in equation first. First में रख दीजिए. सो फर्स्ट कितना है, 12 है, प्लस ए कितना है फाइंड करना है, और 2 इंटू 2 हो जाएगा. सो 12 ये आपका फिर से देखिए क्या हो गया, इसमें पुट करना है हमें 12, तो ये अपनी जगह ही है. इट्स इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास फाइंड करनी है, और प्लस 2 डी है, डी आपका 2 है, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4, इससे ए निकल जाएगा. सो वी कैन कैलकुलेट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4, सो ए विल बी इक्वल टू 8. अब ए भी निकल चुका है आपका, इसको बॉक्स में रख दूं जिससे दिखाई देगा, और ये डी भी आपको बॉक्स में रख के दिखा दे रहा हूं जिससे कि ये शो होगा, जरूरत पड़ेगी तो हमें ये मिल जाएगा इजीली. चलिए अब निकालना है हमें टी 29. सो फिर से एन इजकल टू अब 29 लेके चलोगे, टी एन का फॉर्मूला लगाना है. सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. टी की जगह एन की जगह क्या करना है, 29 पुट करना है. तो ये ए कितना हो गया आपका, ए तो 8 हो गया, प्लस 29 माइनस 1 हो जाएगा, और डी कितना है हमारे पास, अभी निकाला था डी हमने 2. चलिए और कैलकुलेट करिए, तो 8 प्लस यहाँ 28 इंटू 2 हो जाएगा. सो 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 एंड 1 5. एट और सिक्स 14, और 5 एंड 1 6. सो टी 29 इज द 64 एंड दैट वन इज योर आंसर. चलिए इस तरह से आराम से कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको. अब आता है ये एक और है, अनैथमेटिक प्रोग्रेशन है. ए इसमें दिया है थर्ड टर्म इज 12, यानी टी 3 कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म 50 टर्म्स हैं इसमें, तो लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, टी 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 106. क्या निकालना, फाइंड द 21 टर्म्स, यानी टी 21 आपको फाइंड करना है. चलिए इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, दिख रहा मुझे बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन देख रहा है. देखो इसमें टी 3 12 है और टी 50 106 है, तो पिछले क्वेश्चन में जरा चलते हैं एक बार. देखो टी 3 12 है इसमें, और यहाँ क्या है, टी 3 12 है, और यहाँ फिर से देखिए टी 50 106 है, यहाँ टी 50 भी 106 है, मतलब वही है. तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन ये सेम सॉल्व करना है, सेम सॉल्व करके मैं ए और डी यहीं से ले ले रहा हूँ. तो डी आपका 2 आया था और ए 8 आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, या सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें ए कितना आ गया था हमारे पास, ए तो आ गया है आपका, फिर से देख लो, ए हमने निकाला था इसमें 8, तो यू हैव टू राइट ए इजकल टू 8, और आपने यहाँ से डी जो निकाला था कितना, 2 निकाला है, ये वाला डी है, तो डी यहाँ पर 2 ले लीजिए. सो डी इज इक्वल टू 2. आपको टी 21 फाइंड करना है, अब इजिली फाइंड हो जाएगा. तो टी एन का फॉर्मूला लगाना है इसमें, अब एन इजकल टू कितना रखना पड़ेगा आपको, 21. तो टी एन इजकल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए कितना है हमारे पास, 8 है, प्लस एन कितना है, एन आपका 21 है, माइनस 1 इंटू डी कितना है, अभी आपने कैलकुलेट किया था पीछे. सो ये आपका टी 21 आ जाएगा. सो 8 प्लस ये तो हो गया 20 इंटू 2, तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, एंड दैट बिकम्स 48, टी 21. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, सो दैट विल बी योर आंसर. कर लेंगे आप लोग इजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये आपका क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एनालिटिक प्रोग्रेशन इज 10, सो यू हैव टू राइट ए इजकल टू 10. कॉमन डिफरेंस इज माइनस 3, सो यू हैव टू राइट डी इज इक्वल टू माइनस 3. फाइंड द 11 टर्म्स, यानी कि टी 11 आपको फाइंड करना है. चलिए इसमें एन आपको 11 गिवन है, तो टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए. क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए कितना है हमारे पास, 10 है, और एन कितना है, 11 है, माइनस का 1 है, और डी कितना है, माइनस 3 है. चलिए कैलकुलेट करते हैं, और ये क्या निकल के आएगा, टी 11 आ जाएगा.
चलिए ये 10 हो गया और इसका जो है प्लस का 9 बच जाएगा और माइनस का 3 है, तो 10 हो गया प्लस 3 9 जम माइनस 27, सो इट इज द 10 माइनस 27 एंड इट बिकम्स माइनस 17 एंड इट इज द T11 एंड दैट वन इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 5। तो 5 से डिवाइड होने वाले टू डिजिट नंबर लेने हैं, तो सबसे लिस्ट नंबर जो 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा एंड सोन चलेगा और लास्ट में जो है वो 95 हो जाएगा। सो यहां देखिए फर्स्ट टर्म इसकी 10 हो गई, कॉमन डिफरेंस जो है वो 15 माइनस 10 होगा यानी ये 5 हो जाएगा और लास्ट टर्म जो है टी एन दैट इज द 95 और यहां से हमें एन फाइंड करना है। टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है हमारे पास 10 है, एन हमें फाइंड करना है और डी कितना है 5 है, टी एन पता है 95। चलिए 95 10 को इस पर लाइए, माइनस का 10 हो गया तो ये एन माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। 95 माइनस 10 करेंगे तो ये 85 हो जाएगा और ये n माइनस 1 इंटू 5 होगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा, सो n माइनस 1 इक्वल टू 85 डिवाइड बाई 5, ये कट के 17 आ जाएगा, सो n माइनस 1 इक्वल टू 17, सो n इक्वल टू 17 प्लस 1 एंड n इक्वल टू 18, दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ज्योति स्टार्टेड टू वर्क 1997 एट अ मंथली सैलरी 5000, सो दैट वन इज द ए इज 5000 एंड गेट्स एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 2 रुपीज 200 रुपीज, सो दैट इज द कॉमन डिफरेंस इट इज 200। हर सैलरी इन विच ईयर डिड ही सैलरी बिकम 7000, यानी ये आपका टी एन गिवन है 7000 एन फाइंड करना है, सो टी एन का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन गिवन है 7000, ए कितना है इट इज 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है इट इज 200, सो 7000 माइनस का 5000 ले जाइए इधर, तो ये एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 200, ये जो बच जाएगा ये 2000 बच जाएगा, ये एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया 200, इससे एन माइनस 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 2000 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सो यू हैव टू राइट एन माइनस 1 इजकल टू 10, सो एन इजकल टू 10 प्लस 1 एंड दैट इज द 11, यानी 11 में अब इसमें ईयर्स निकालना है, तो ईयर्स क्या हो जाएगा इसका, ये 1997 की बात थी और इसके बाद जो है 11 इसमें और ऐड कर देंगे तो 9 और 1 8 हो जाएगा और ये 9 और 1 10 हो जाएगा और ये 2008 हो जाएगा, दैट वन इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द पीरियड टर्म इज क्यू, सो टी पी इज गिवन एज क्यू एंड द क्यूएड टर्म इज पी, सो टी क्यू इज गिवन एज पी। चलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम फॉर्मूला लेते हैं टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो पहले इसको लेते हैं फर्स्ट वाले को लेंगे, एन की जगह पी रखना है, तो इसमें यहां क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसके लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब पी आ जाएगा और ए प्लस q
क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इजकल टू क्यू है, और यहाँ ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इजकल टू कितना है, पी है। माइनस करेंगे तो माइनस करते समय सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ए विल बी कैंसल आउट। यहाँ से कितना बच गया, पी माइनस वन इंटू डी बच गया, माइनस का क्यू माइनस वन इंटू डी हो गया। यहाँ से कितना बचा है, यहाँ से बचा है माइनस का पी और प्लस का क्यू। यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस का वन बच जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो पी माइनस क्यू बच जाएगा। वन विल बी कैंसल आउट टू इच अदर। अब इससे डी निकल जाएगा, डी कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखो, माइनस का पी माइनस क्यू है और बटे में आ जाएगा आपका पी माइनस क्यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो डी विल बी इक्वल टू माइनस वन। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दीजिए, ये फर्स्ट है, तो कितना हो जाएगा ये, फर्स्ट में रखना है इसको, रख दीजिए जरा, क्या होगा देखते हैं। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, इस वाले में पुट करना है, तो ये हो गया क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, जो रखेंगे कितना हो जाएगा ये, माइनस का वन, क्योंकि इक्वल टू ए माइनस का ये पी माइनस वन हो जाएगा, सो ए मिल जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस वन और प्लस का क्यू, सो ए विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस वन। नाउ ए मिल गया और डी मिल गया है, ये दोनों टर्म्स हमें मिल चुकी हैं, क्या फाइंड करना है हमें, देन फाइंड द एम एट टर्म्स। अब एन इजकल टू एम है, सो टी एन इजकल टू कितना लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, ये टी एन की जगह एम कर देंगे तो टी एम ले लेंगे। एम ए की वैल्यू कितनी है, पुट कर देना है, ए कितना था हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ, ये है आपका पी प्लस क्यू माइनस वन और प्लस एन माइनस वन, दैट इज द एम माइनस वन हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है, तो ये कितना हो गया, पी प्लस क्यू माइनस वन और प्लस का एम हो गया और माइनस का, ये माइनस का एम हो जाएगा, ये माइनस एम हो गया और प्लस का वन हो जाएगा, तो वन विल बी कैंसल आउट टू ईच अदर, तो टी एम का मान मैं यहां लिख दे रहा हूं, टी एम इजकल टू कितना हो गया, पी प्लस क्यू माइनस एम, एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए इजली कर लेंगे, एक्सरसाइज वन में आ चुके हैं, वन में तो पहले भी आया था लेकिन बेचारा हुआ नहीं, यहीं खत्म हो गया था क्वेश्चन मेरा, चलो देखते हैं फिर भी आपकी किस्मत है या नहीं। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन रीजन, इसके रीजन भी देने हैं हमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर गिवन, मतलब आपको इसमें से बतानी है फर्स्ट टर्म कौन सी है, सो दैट विल बी योर फर्स्ट टर्म, थ्री बाई टू यानी a इज इक्वल टू थ्री बाई टू हो जाएगा, एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस d को कैसे फाइंड करते हैं, वन बाई टू में से माइनस करेंगे थ्री बाई टू, एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, सो 1 माइनस 3, सो इट बिकम्स माइनस 3 बाई माइनस 2 बाई 2 नॉट 3 बाई 2, सो इट बिकम्स माइनस 2 बाई 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इट बिकम्स माइनस 1, सो देख लीजिए 3 बाई 2 और माइनस 1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सो यू हैव टू राइट बी 3 बाई 2 एंड माइनस 1, इट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा, ये है सेकेंड टर्म्स है, इफ द फर्स्ट टर्म इज माइनस टू एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस टू, फर्स्ट टर्म दैट इज द ए ए इज माइनस टू, कॉमन डिफरेंस दैट इज द डी एंड इट इज ऑल्सो माइनस टू, फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द फोर्थ टर्म, यानी कि टी फोर आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, टी एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या होगा ये, ए की वैल्यू आपको पता ही है माइनस टू है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, कौन सी टर्म्स निकाल रहे हैं, फोर्थ निकाल रहे हैं, तो n की जगह 4 हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 4, सो 4 माइनस 1, d की वैल्यू वंस अगेन माइनस 2 है,
माइनस टू प्लस कितना हो गया, थ्री इंटू माइनस टू। अब कितना हो जाएगा, ये माइनस टू माइनस का सिक्स हो गया, इट बिकम्स माइनस एट एंड दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, फिफ्टीन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, चलिए देखते हैं इसमें सेवन दिया हुआ है, थर्टीन दिया हुआ है, नाइनटीन दिया हुआ है, इसकी कौन सी निकालनी है, फिफ्टीन टर्म्स निकालनी है। तो ए इजकल टू सेवन हो गया, डी निकालेंगे तो थर्टीन माइनस सेवन कितना आ जाएगा, थर्टीन माइनस सेवन इट विल बी सिक्स। और एन कितना दिया है, फिफ्टीन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, यानी टी फिफ्टीन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टी एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है हमारे पास, सो यू हैव टू राइट सेवन प्लस एन की जगह फिफ्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन माइनस वन। और डी कितना है, डी तो निकाल चुके हैं आप लोग, सिक्स है डी, तो ये आ गया सेवन प्लस ये फोर्टीन हो जाएगा इंटू सिक्स हो जाएगा। चलो देखते हैं, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर और सिक्स वन जा सिक्स एंड टू दैट इज द एट, इसको ऐड कर दीजिए, सेवन और फोर कितना हो गया इलेवन और ये एट नाइन्टी वन हो जाएगा। सो टी कौन सा निकाला है आपने, फिफ्टीन निकाला है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, फर्स्ट टर्म इज द फोर एंड द कॉमन डिफरेंस माइनस फोर। चलिए देखते हैं, फर्स्ट टर्म मीन्स ए, ए कितना है आपका फोर हो गया, कॉमन डिफरेंस डी है, डी आपका माइनस फोर है, क्या फाइंड करना है, टी एन फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए कितना है हमारे पास, फोर है, एन कितना है, एन तो एन रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन डी चेंज है, इट विल बी माइनस फोर। सो इट इज फोर, माइनस का फोर एन हो जाएगा और माइनस माइनस फिर से प्लस का फोर हो जाएगा, तो ये फोर और फोर कितना हो गया, एट हो गया और माइनस का फोर एन हो गया। सो यू हैव टू चूज योर करेक्ट आंसर, दो सी इज द करेक्ट आंसर, सो यू हैव टू राइट ऑप्शन सी दैट इज एट माइनस फोर एन। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस वन क्वेश्चन, 78 इज विच टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखा रखिए, 3, 8, 13 और 18 है। चलिए देखते हैं इसमें, ए तो आपका 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं 8 माइनस 3 से, तो कितना आ गया 5 आ गया। और टी एन गिवन है 78 और एन फाइंड करना, अगर एन होल नंबर आ गया तब तो इसका है, नहीं तो नहीं होगा। सो टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इट विल बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन कितना है आपको, 78 गिवन है और ए कितना है हमारे पास, ए इज 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी आपका है 5। चलिए 78 माइनस का इधर ले आइए 3, तो कितना हो जाएगा, ये एन माइनस वन इंटू 5 बच जाएगा, यहां से बचेगा 75। सो एन माइनस वन इंटू 5, 5 को भी इधर लाना है, 75 वन 5 हो जाएगा, एन माइनस वन इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 वन जा 5 एंड 5 5 जा 25, दैट मीन्स एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया, 15। सो एन विल बी इक्वल टू 15 प्लस 1, सो कितना आ गया, 16 हो गया। तो 16 टर्म्स है, दैट मीन्स योर ऑप्शन इज बी, सो बी इज द दैट इज द 16th, दैट वन इज योर आंसर। तो आप लोग आराम से कर लेंगे एक्सरसाइज के, बाकी क्वेश्चन को मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा, ये लेंथी वीडियो हो जाता है, ये आपका 40 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ, तब तक नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर लेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और कम से कम एक लाइक तो बनता ही, इसलिए मेरी वीडियो को भी लाइक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।